बच्चों एक बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आ रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से अभी ठीक बजे एक नया अपडेट जो है बच्चों यहां पे पोस्ट किया गया है इस अपडेट के अंदर जो जो काउंसलिंग को लेकर जो भी अफवाह फैल रही थी उन सभी को यहां पे एक्सप्लेन किया गया है साथ ही साथ में काउंसलिंग की डेट क्या होगी सीट मैट्रिक्स कितने बढ़े हैं नए सीट्स कितने ऐड हुए उसका डिटेल कब होगा जी अगर आपको याद होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एनटीए को जब पूछा गया था कि काउंसलिंग कब से शुरू होगा तो एन के जो काउंसल थे उन्होंने ये बोला था कि छह जुलाई से काउंसलिंग कमेंस होगा बट यहां पे काउंसलिंग पे स्टेट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया था आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीए तुम्हारी काउंसलिंग नहीं कराती है काउंसलिंग की जो बॉडी वो आपकी एमसीसी होती है जी और आज सुबह से एक न्यूज में आता था कि आज से हमारी काउंसलिंग शुरू होने वाली थी बट काउंसलिंग आज शुरू नहीं हुई पोस्टपोन कर दी गई है जी तो मतलब एमसीसी ने पहले से कोई डेट रिलीज नहीं किया था हम लोग एक एन के काउंसिल ने जो बोला था सुप्रीम कोर्ट में उसके बिहार पर हम लोग सारी बातें कर रहे थे हमें भी लग रहा था कि छह तारीख से तुम्हारी काउंसलिंग जो है वो शुरू होने वाली है अभी पूरे सर्कुलर में क्या बोला गया आइए एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं जी देखो तो यहाँ पे क्या बोला गया है

आपको पता होगा तो एमसीसी आपका नोटिफिकेशन जारी करती है कि स्टार्ट कब होगा फॉर्म कब भरना है कॉलेज कब सिलेक्ट करना है और अलॉटमेंट कब होगा जी तो एमसीसी की तरफ से ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आया था जी देखो जी उसके बाद दी काउंसलिंग शेड्यूल फॉर नीट यूजी एंड पीजी इज अनाउंस्ड बाय द mcc ऑन इट्स वेबसाइट ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लीशन ऑफ एग्जाम प्रोसेस एंड फाइनलाइजेशन ऑफ द सीट मैट्रिक्स बाय द नेशनल मेडिकल कमीशन अब देखो ये बोला गया था

देखो अब यहां पे उन्नीस एक बताया गया था बिकॉज अगर आपको याद होगा दो में फिर बाद में ग्यारह दस दो में और हमारे पास बीस सात दो मतलब क्या ये बीस जुलाई को आपका जो है तेईस में जो काउंसलिंग हुआ था वो शुरू हुआ था जी 20 जुलाई को अगर आप देखेंगे तो आपका 20 जुलाई को काउंसलिंग आपका शुरू किया गया था एज पर द गिवें डेटा जी आगे की और बढ़ते हैं जी हम लोग ओके okay, अगले में क्या बोला गया था सुनो जी अब तो द काउंसलिंग शेड्यूल ऑफ द नीट यूजी एंड पीजी इज अनाउंस्ड बाय द एमसीसी ऑन इट्स वेबसाइट बेिस का जो सीट मैट्रिक्स होगा कितना सीट बढ़ने वाला है कितना कम होने वाला है उसका प्रोसेस अभी चल रही है और वो कब तक कंप्लीट हो जाएगा जी बाई दर्ड वीक ऑफ द जुलाई एंड दीजी सीट मैट्रिक्स बाय द

ओके अकॉर्डिंगली नोटिफाई द काउंसलिंग का शेड्यूल इसका मतलब क्या मतलब मिड ऑफ जुलाई के बाद ही मतलब पंद्रह जुलाई के बाद ही जो होगा काउंसलिंग का शेड्यूल दिया जा सकता है ऐसा मतलब डेट तो नहीं बताया गया लेकिन मिड ऑफ जुलाई के बाद ही बिकॉज जब तक फाइनल मैट्रिक्स ना आए तब तक आपका यहां पे नहीं दिया जाएगा जी ठीक है दियर फॉर इट इज क्लैरिफाइड दैट एमसीसी हैज नॉट येट नोटिफाइड द काउंसलिंग शेड्यूल फॉर दर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ओके okay. इसका मतलब एमसीसी की तरफ से कोई भी यहाँ पे शेड्यूल नहीं दिया गया है वो तो एन के काउंसिल ने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में बोला था ना कि 6 जुलाई से आपकी काउंसलिंग कमेंस होने वाली है अब देखो यार सिर्फ एक दिन का आज हमारे पास 6 तारीख है कल हमारे पास 7 तारीख है और 8 तारीख को अगर आपको पता होगा एट ऑफ तो जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में आपका फैसला होने वाला है किसके बारे में जी न्यू ट्वेंटी पेपर लीक को बारे में यहाँ पे एन की तरफ से भी अपनी एफिडेविट फाइल कर दी गई है और आपके पास जो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी एफिडेविट फाइल कर दी गई है दोनों जो डिपार्टमेंट है, है, तो है, है वो कह बैठ के तुम्हारा कमेंट पढ़ेंगे ऐसा नहीं होगा ना तो जो भी उनको वैलिड लगेगा वो आपका सुप्रीम कोर्ट देने वाला किसी भी टीचर के बोलने से या बच्चे काउंसलर के बोलने से कुछ भी फैसला नहीं लिया जाएगा हमारी नजर अभी परसों वाले पर कुछ भी अपडेट आएगा सबसे पहले आपको दे दूंगा और एक बड़ी बात यह कि आठ तारीख को जो भी सुनवाई होगी उसकी लाइव स्ट्रीमिंग में यहां पे आपको दिखाया करूंगा एक्चुअली वो अवेलेबल नहीं होता है वो एडवोकेट एंड रिकॉर्ड जो भी रहेंगे उनके उस पर वो विजिबल होता है तो वी आर ट्राइंग कि अगर अपने को मिल जाए तो हम लोग लाइव आपको पूरा सुना सकते हैं कि हवा भाई बातें ना रहे जो रहे सामने आप लोग उसको प्रॉपरली देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास बातों को उठाया जा रहा है आपके एग्जामिनेशन को लेकर जी कि पेपर में मतलब फॉल्ट हुआ या नहीं हुआ ठीक है ये हो गया देखिये बहुत सारे जब हम एक्सपर्ट से बात कर रहे रहे हो ये कह कि बच्चों को बोलना चाहिए हल्का फुल्का अगर पढ़ाई रहे तो तुम कर सकते हो मुझे पता है कि ट्वेंटी है कि हम पढ़ाई करें कि नहीं करें और ट्वेंटी इसके लिए कंफ्यूज है कि रिनीट होगा या नहीं होगा तो यार एक दिन का और इंतजार कर लो कल तक का परसों तक आपको सारी डिटेल्स यहां पे मिल जाएंगी जी ठीक है अगर आप लोग अगर कोई आपका भाई या बहन अगर 25 फाइव या ट्वेंटी सिक्स तैयारी कर रहा है अगर वो वी प्लस लेना तो आप जरूर से उसको दिलवा सकते हैं बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइफ सबसे अधिक कोड आपका बायोलॉजी लाइफ अकेडमी पर यूज होता है यहाँ पर एक बार ही प्लस लेने पर आपको सारे क्लासेस का एक्सेस मिल जाता है इसी के साथ साथ बच्चों यहाँ पर डेली टेस्ट सीरीज आपकी फ्री में कंडक्ट कराई जा रही है शाम को छह बजे आप इसमें भी एनरोल कर सकते हैं आई होप की इन्फॉर्मेट लगा हुआ मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए थैंक यू जय हिंद बाय